सहजनवा थाना क्षेत्र में सर्वेश यादव नाम के व्यक्ति ने 22,000 यूएस डॉलर लूट के संबंध में मुकदमा दर्ज करवाया, जिसके संबंध में एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने बताया कि 27 सितंबर को सर्वेश यादव उर्फ फोनछाई यादव पुत्र स्वर्गीय रामनाथ यादव निवासी ग्राम मरवटिया थाना बड़हलगंज जनपद गोरखपुर ने सहजनवा थाने पर एक प्रार्थना पत्र दिया कि उनका 22,000 यूएस डॉलर एक सोने की चेन और राडो घड़ी को पवन त्रिपाठी, दूसरा प्रशांत धर दुबे, तीसरा पीयूष धर दुबे, चौथा प्रशांत धर दुबे ने लूट लिया, जिसके आधार पर सहजनवा थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। विवेचना में प्रकाश में आया कि वादी 26 सितंबर को बैंकॉक से चलकर दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरा, वहां पर उसे उसके पूर्व परिचित नवीन दुबे, जो बैंकॉक में ही रहते हैं, ने यह कहते हुए कि मेरा एक आदमी आपको $42,000 देगा, वह आप स्वयं या किसी के माध्यम से मेरे पास भिजवा दो। इस पर वादी मुकदमा सर्वेश ने बताया कि मैं स्वयं ही अगली फ्लाइट से दिल्ली से बैंकॉक आ रहा हूं। इस पर नवीन दुबे ने सचिदानंद दुबे, जो दिल्ली में रहते हैं, उनके माध्यम से वादी मुकदमा को $42,000 दिलाया। डॉलर पाने के बाद वादी मुकदमा अपनी एक परिचित महिला, जो बैंकॉक जा रही थी, के माध्यम से $20,000 नवीन दुबे के पास भिजवा दिया। उस महिला ने नवीन दुबे को सिर्फ $10,000 दिए और कहा कि $10,000 मेरा सर्वेश यादव उधार लिए थे, वह बराबर हो गया। इसी बीच सर्वेश यादव स्वयं अपना मोबाइल ऑफ करके बैंकॉक न जाकर दिल्ली से बस के जरिए गोरखपुर आने लगा। इसकी जानकारी नवीन दुबे को अपने सूत्रों के माध्यम से पता चला, तो उन्होंने गोरखपुर के रहने वाले अपने परिचितों को बताया कि सर्वेश यादव मेरा पैसा लेकर बैंकॉक आने वाला था, परंतु वह मेरा पैसा लेकर गोरखपुर जा रहा है, उससे मिलकर उससे मेरा पैसा ले लो। जब वादी मुकदमा सहजनवा पहुंचने पर बस से उतरा तो नवीन दुबे के परिचित पवन त्रिपाठी, दूसरा प्रशांत धर दुबे, तीसरा पीयूष धर दुबे, चौथा प्रशांत धर दुबे उसको अपनी गाड़ी में बैठाकर गोरखपुर ले गए और वादी मुकदमा के पास मौजूद $22,000 ले लिया। शेष $10,000 के बदले में उसने अपनी चेन और राडो घड़ी दे दी और शेष पैसा देने के लिए एक महीने का वक्त मांगा। एसपी नॉर्थ ने बताया कि अब तक की विवेचना से यह प्रकाश में आया है कि संपूर्ण प्रकरण पैसा डॉलर के लेन देन का प्रतीत हो रहा है तथा नामजद अभियुक्तों की तलाश की जा रही है। उनसे पूछताछ के बाद आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी तथा इस मामले में पैसे डॉलर का जो भी आदान प्रदान हुआ है उसके भी स्रोतों की जानकारी की जा रही है, जिसके आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने कहा, दिनांक 27/9/2022 को सर्वेश यादव उर्फ फोनछाई निवासी बड़हलगंज ने थाना सजनवा पर यह सूचना दिया कि पवन त्रिपाठी, प्रांशु दुबे, पीयूष दुबे व प्रशांत दुबे ने उनसे $22,000, एक सोने की चेन, एक राडो घड़ी और कुछ रुपए छीन लिए हैं। उनकी सूचना पर थाने पर मुकदमा दर्ज हुआ और विवेचनात्मक कार्रवाई प्रारंभ की। अब तक की विवेचना से ये पाया गया कि वादी मुकदमा दिनांक 26/9/2022 को बैंकॉक से चलकर दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरा, वहाँ उसे उसके पूर्व परिचित नवीन दुबे, जो बैंकॉक में ही रहते हैं, ने यह कहते हुए कि मेरा एक आदमी आपको $22,000 देगा, वो आप स्वयं या किसी के माध्यम से मेरे पास भिजवा। इस पर वादी मुकदमा सर्वेश ने बताया कि मैं स्वयं ही अगली फ्लाइट से दिल्ली से बैंकॉक आ रहा हूँ। इस पर नवीन दुबे ने सच्चिदानंद दुबे, जो दिल्ली में रहते हैं, उनके माध्यम से वादी मुकदमा को $22,000 दिलवाया। डॉलर पाने के बाद वादी मुकदमा अपनी एक परिचित महिला, जो बैंकॉक जा रही थी, उसके माध्यम से $20,000 नवीन दुबे के पास भिजवाया, जबकि उस महिला ने नवीन दुबे को मात्र $10,000 दिए और कहा कि $10,000 मेरा सर्वेश उधार लिए थे, इसलिए मैंने उसको रख लिया। सर्वेश दुबे अपना मोबाइल स्विच ऑफ करके बैंकॉक वापसी फ्लाइट से न जाकर और दिल्ली से बस के जरिए गोरखपुर आ गए। इसकी जानकारी जब नवीन दुबे को ही, तो उन्होंने अपने सूत्रों के माध्यम से अपने परिचितों को सहजनवा पहुंचकर इनसे पैसे लेने की बात कही। इस पर उक्त नामित अभियुक्त अपने पैसा, बकाया पैसा लेने के लिए इनके पास गए, इन्होंने पैसा देने से मना किया, तो उन्होंने गाड़ी में बैठा के और गोरखपुर DDA कॉम्प्लेक्स ले जाकर और वहाँ इनसे इनका पैसा और
चेन और राडोगड़ी छीन ली। इनका भी ये कहना है कि सोने की चेन व राडोगड़ी चूँकि इनका $10,000 बकाया था, इस संबंध में उन्होंने लिए है और इन्होंने कहा है कि जो जब ये पैसा अदा कर देंगे तो इनका सामान वापस कर दिया जाएगा। अभी तक की विवेचना से ये संपूर्ण प्रकरण पैसे के लेन देन का प्रतीत हो रहा है।